अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स इन द सेकंड वीडियो ऑफ वीक 15। इसमें हम पहले आउटर जॉइन देखेंगे, उसके बाद हम रिलेशनल अलजेब्रा देखेंगे। व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा? एक्चुअली हम प्रीवियस वीक से हम यही कहानी करा रहे हैं कि पहले हम कुछ ऑपरेशन कर लें, उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा देखेंगे। तो ये आपकी आउटलाइन है इस वीडियो की। फर्स्ट वी हैव टू लुक एट आउटर जॉइन, देन वी हैव टू लुक एट रिलेशनल अलजेब्रा। Outer join. Look at the data, student and system. इसमें information दी गई है कि कौन सा system किस student को assign है और कौन सा system अभी assign नहीं हुआ। Just like student system one is not assigned to anyone, system two is assigned to one, system three is assigned to student nine and so on. अब अगर आपको ऐसी कोई information चाहिए जिसमें आप देखना चाहते हैं कि किस स्टूडेंट को कौन सा सिस्टम असाइन हुआ है और किस स्टूडेंट को अभी तक सिस्टम असाइन नहीं हुआ, तो दोनों चीज़ें मतलब इसके साथ ये ज्वाइन करें। जो मैच होता है वन वो भी नज़र आए, और जो ज्वाइन नहीं होता तब भी, मतलब जिन स्टूडेंट्स को सिस्टम नज़र नहीं है, असाइन नहीं हुआ, वो भी आपको क्या आना चाहिए, इसमें नज़र आना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम आउटर ज्वाइन लगाते हैं। तो इसमें लेफ्ट टेबल अगर शो करनी है तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाते हैं। तो सिलेक्ट सारे फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन सिस्टम ऑन, स्टूडेंट की एसआईडी मैच होगी सिस्टम की एसआईडी के साथ, तो रिजल्ट आपका कुछ ऐसा आएगा। अब देखें, स्टूडेंट वन एसआईडी वन इज मैचिंग विद दिस वन, तो स्टूडेंट सिस्टम टू आ गया। टू किसी के साथ मैच नहीं होगी लेकिन फिर भी ये डाटा आएगा। तो लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल सारी आती है, चाहे वो ज्वाइन हो या ना हो। आप देखें 11 की 11 स्टूडेंट आए हैं, इनमें से मैच कुछ हो रहे हैं, कुछ मैच नहीं हो रहे। तो सिक्स मैच नहीं हो रहे, फाइव मैच हो रहे हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन में और जो इनर ज्वाइन है, या आउटर ज्वाइन और लेफ्ट इनर ज्वाइन में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो मैच होते हैं वो भी आते हैं, जो मैच नहीं हो रहे वो भी आते हैं। जबकि राइट वाले सिर्फ वो आएंगे जो मैच हो रहे हैं, जबकि अगर ये इनर ज्वाइन होता तो सिर्फ वो आते जो मैच होते दोनों साइडों पर। जस्ट लाइक दिस वन, ये इनर ज्वाइन है। इनर ज्वाइन में देखें 1 4 7 9 11 यहाँ पे मैच होंगे, बाकी मैच नहीं हुए तो रिजल्ट भी नहीं आया। जबकि लेफ्ट ज्वाइन में देखें जो मैच नहीं हुए, अब यहाँ पे एक्चुअली आप बड़े आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टूडेंट वन को सिस्टम टू असाइन हुआ है, स्टूडेंट टू को भी नहीं हुआ, स्टूडेंट थ्री को नहीं हुआ, स्टूडेंट फोर को सिक्स हुआ है, स्टूडेंट फाइव को नहीं हुआ एंड सो ऑन। ये समरी आपको दे सकता है। तो जबकि इनर ज्वाइन लगाएंगे तो फिर बस यही पता चल सकता है कि इसके स्टूडेंट को ज्वाइन हुआ है और किसको नहीं हुआ, ये पता नहीं चलेगा। तो ये पता चलाना है अगर आप, तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेफ्ट ज्वाइन लगाना पड़ेगा। इसी के साथ ही एक राइट ज्वाइन होता है। राइट ज्वाइन में क्या होता है, राइट वाला टेबल आता है। यहाँ पे प्रीवियस में आपके पास क्या था, लेफ्ट वाला टेबल आ रहा था लेकिन राइट पे सिर्फ वो आ रहे थे जो मैच हो रहे थे। अब राइट वाले सारे आएंगे, मतलब सिस्टम के 10 के 10 रैकेट आएंगे, लेकिन यहाँ से सिर्फ वो आएंगे जो मैच होंगे। कौन कौन से मैच होंगे, 1 9 4 7 और 11 स्टूडेंट आएंगे, बाकी स्टूडेंट नजर नहीं आएंगे आपको। तो अब यहाँ पर देखें तो आपको लगेगा सिस्टम वन किसी को असाइन नहीं हुआ अभी तक, सिस्टम टू स्टूडेंट वन को असाइन हुआ है, सिस्टम थ्री असाइन हुआ है 9 को, सिस्टम फोर फाइव अवेलेबल है, 6 7 असाइन हो चुका है, और ये जो है ना यहाँ पे होगा 8 8 अवेलेबल है, 9 असाइन है, 10 अवेलेबल है। तो ये आपके पास राइट ज्वाइन होता है। राइट ज्वाइन में और लेफ्ट ज्वाइन में डिफरेंस सिर्फ ये है, लेफ्ट में लेफ्ट वाली टेबल आती है और राइट में राइट वाली टेबल आती है। इसके बाद आता है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट वाली भी सारी आएगी, 11 की 11 आएंगे, जो मैच होंगे उनके सामने इंफॉर्मेशन होगी, बाकी नल होगी। राइट वाली भी सारी की सारी आएगी, जो मैच होंगे वो उनके सामने आज मैचिंग आ जाएगी, बाकी नल हो जाएंगे। जस्ट लाइक दिस वन, नीचे देखें जरा इंफॉर्मेशन आई हुई है। यहाँ पे आप फुल ज्वाइन लिखेंगे और आपको देखें 11 की 11 हो आए हैं, जिधर मैच हुए हैं वो मैचिंग आया, बाकी नल आ गए हैं। और इधर देखें यहाँ पे जो सिस्टम बचते थे, ये 9 वाला नहीं आएगा, यहाँ पे इसको निकाल दें, बाकी देखें सामने नल आ गया। तो एक ही समरी में आपको नजर आ रहा है कौन सी सिस्टम अवेलेबल है और कौन सी स्टूडेंट्स को सिस्टम अलाट नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आउटर ज्वाइन लगाते हैं जिसमें दोनों टेबल का डाटा चाहिए होता है। मैचिंग तो चाहिए होती है लेकिन अनमैचिंग भी आपको चाहिए होता है। फाइनली वी रीच ऑन अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा। अलजेब्रा रिलेशनल अलजेब्रा देख से पहले आप अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा आपने पढ़ा हुआ है,
तो वो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जहाँ पे आप सिंबल वगैरह यूज करके अननोन वैल्यूज निकालते हैं, तो एलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं तो उससे आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये सारा कुछ काम होता है। तो रिलेशनल अलजेब्रा भी यही होता है, द प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज विच टेक इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशन एज इनपुट एंड यील्ड्स इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशन एज आउटपुट। तो आज का आपने जितनी क्यूरीज की हैं अभी तक अगर आप नोट करें तो आपने क्या किया है, सिंपली एक रिलेशन इनपुट और रिलेशन के ऊपर क्यूरी होती है और आउटपुट भी रिलेशन होता है, उसको जो ऑपरेशन को ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन जो किस जिसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, वो भी रिलेशन होता है, मतलब टेबल होता है, ऑपरेशन अप्लाई होता है, रिजल्ट भी आपके पास टेबल आता है। जितनी भी आप क्यूरी कर लें, ज्वाइंस की है हमने, सब क्यूरी की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, सिंपल सेलेक्ट क्यूरी की, वेयर क्लास की, व्हाट एवर, जितने भी ऑपरेशन किए आपको आउटपुट भी रिलेशन ही मिला। तो रिलेशन आपको टेबल को कहते हैं, ये तो हमें पता ही है, ये आपके पास रिलेशन है, इसके ऊपर कोई एक ऑपरेशन होगा तो आपके पास रिजल्ट रिलेशन ही आएगा। आपको ऐसा लग रहा है कॉलम कम होंगे, कॉलम बढ़ भी सकते हैं, रोज कम ज्यादा भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा रिलेशन, आपका फोकस ही होना चाहिए। तो क्यों एक्चुअली रिलेशनल अलजेब्रा चाहिए, इसकी मल्टीपल रीजन होती हैं। एक तो सिंपल रीजन ये है कि आपके पास एक आपने माइंड में रखना है कि वट एवर जितनी भी आपके पास टेक्निक्स टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, इसके बैकएंड पे थ्योरी होती है, थ्योरी जरूर होती है। अब थ्योरी को आप जो है ना पैराग्राफ मत समझिएगा, थ्योरी हम कहते हैं फिलासफी, जो एक्चुअल फलसफा पेश किया जाता है वो थ्योरी कहलाती है। तो डेटाबेस की जो फिलासफी है वो रिलेशनल अलजेब्रा है, तो मैथमेटिकली अगर इसको मॉडल जो आप मॉडलिंग करेंगे तो फिर आप रिलेशनल अलजेब्रा ही यूज करेंगे। दूसरा जो इसका रोल होता है वो ये होता है कि ये स्टैंडर्ड है, मतलब जो सीक्वल क्यूरीज है वो वेरी कर सकती हैं टूल टू टूल, मतलब सीक्वल क्यूरी जो आप सीक्वल सर्वर में लिखेंगे और रैकल में लिखेंगे उसमें लाइटर से डिफरेंस होगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, आप क्यूरीज लिखेंगे तो अक्रॉस द वर्ल्ड आपको वही स्टैंडर्ड नोटेशन हर कोई यूज करता हुआ नजर आएगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप रिलेशन अलजेब्रा की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब क्यूरी का कम से कम टाइम लगे, इस तरीके से एग्जीक्यूट करें कि कम से कम लगे, क्यूरी प्लान बना सकते हैं। ये हम इसमें इस कोर्स में भी देखेंगे और नेक्स्ट जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली क्यूरी प्लान होता क्या है। तो वैसे जो क्यूरी है वो एक्स्ट्रा टाइम लेती है, तो आपके पास जो सीक्वल क्यूरी है हम उसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, हम उसे क्या करते हैं मैथमेटिकल नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले जब मैथमेटिकल नोटेशन में कन्वर्ट होता है इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, रूल अप्लाई करके आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और फिर इस क्यूरी को बाद में एग्जीक्यूट कर लिया जाता है सीक्वल क्यूरी में कन्वर्ट करके, तो रिजल्ट वापस आ जाता है आपके पास। तो इम्पोर्टेंस जो है आपको नजर आएगी कि इसमें आप देखेंगे सीक्वल क्यूरी एक ही होगी, लेकिन उसकी दो तीन चार पांच आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनल क्यूरी लिख सकते हैं। तो वो जो रिलेशनल क्यूरीज होंगी चार पांच, रिजल्ट आपको सेम देंगी, लेकिन उनकी जो कॉस्ट होगी, प्रोसेसिंग टाइम होगा, वो कम होगा। और ये सिर्फ रिलेशनल क्यूरी के साथ हो सकता है, सीक्वल क्यूरी के साथ नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर नोट करें, सिंगल एक रिलेशनल क्यूरी है जो आप लिखते हैं, उसकी मल्टीपल एक आप सीक्वल क्यूरी लिखते हैं जो आप ऑलरेडी लिखे लिखी है आपने, उसकी रिलेशनल क्यूरी मल्टीपल हो सकती है, रूल अप्लाई करके आप उसकी अल्टरनेटिव लिख सकते हैं। वो जो अल्टरनेटिव लिखेंगे हर एक का टाइम डिफरेंट होगा, तो ये सिर्फ पॉसिबल है कि इसमें रिलेशनल में, अगर रिलेशनल में आप क्यूरी लिख लें तो फिर आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक रोल ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एंड डेटाबेस, कि आप क्यूरी की जो क्यूरी प्रोसेसिंग होती है उसमें एक मॉड्यूल होता है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो फिर आपको रिलेशनल अलजेब्रा आना चाहिए। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा स्टडी करते हैं। तो अलजेब्रा इसमें वही जो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा होता है, ऑपरेशन होते हैं और ऑपरेंड होता है, यहाँ पे भी ऑपरेशन और ऑपरेंड होते हैं। अगर हम मैथमेटिकल का जबरे की बात करें तो आपके पास देखें ये ऑपरेंड कौन से हैं, टू और फाइव प्लस आपका ऑपरेटर है, ऑपरेंड कौन से हैं, फाइव और एक्स डायरेक्ट आपका ऑपरेटर है, और ऑपरेंड कौन सा है, एक्स और प्लस प्लस क्या है आपका ऑपरेटर है। सिमिलरली इसमें भी आपके पास है, यहाँ पर देखें तो यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर हैं, ये हम देख चुके हैं, आप मैथिंग प्रोग्रामिंग भी पढ़ चुके होंगे। यूनरी ऑपरेटर जैसे एक्स प्लस प्लस, एक्स माइनस माइनस, जिसका एक ऑपरेंड हो, और आप देखें अभी तक जितनी आपने क्यूरीज की हैं पहले पहले 10-12 वीक में वो यूनरी थी, क्योंकि एक ही टेबल के ऊपर आप कर रहे थे, मतलब जो सिलेक्ट ऑपरेटर का क्लाज लगाते थे, सिलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट, तो एज जो प्रोजेक्ट हो रहा है टेबल के ऊपर, ये एक ही टेबल के ऊपर हो रहा है, लेकिन यूनियन का जो ऑपरेटर है ये दो के ऊपर हो रहा था, ज्वाइन दो के ऊपर है, तो ये यूनियन यूनरी भी होंगे और बाइनरी ऑपरेटर भी होंगे। तो
मैथमेटिक्स के वाले से प्लस मल्टीप्लिकेशन ये सारे क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। तो आपका ऑपरेंड रिलेशन अलजेब्रा में क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया, जिसके ऊपर अप्लाई होगा वो रिलेशन ही हुआ करेगा, टेबल होगी। जबकि ऑपरेटर आपके पास दो टाइप के होंगे, एक यूनरी ऑपरेटर होगा, यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास दो टाइप के आते हैं, एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर और एक सिलेक्शन ऑपरेटर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में कि सिलेक्शन क्या होती है और प्रोजेक्शन क्या होती है। और याद रखें, सिलेक्शन सेलेक्ट सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्ट सीक्वल में जो सेलेक्ट है और यहाँ पे जो सिलेक्शन है, ये टोटल डिफरेंट थिंग्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर ने हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कार्टीजन, जॉइंस होंगे, जॉइन भी हम उसकी टाइप्स भी देखेंगे इसमें फिर बाद में। तो ये हमारे पास जो है ना वो टोटल हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं फिर इनको डिटेल में। थैंक यू।